हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मटका मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दिवाली पर दो बड़ी मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, पहली भूल भुलैया 3 और दूसरी सिंघम अगेन। इन दिनों मूवियों को फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का बस लंबे समय से बना हुआ है, लेकिन इन दोनों मूवियों के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसे टॉपिक पर मूवी आने वाली है जिसके चक्कर में कई लोगों की जिंदगी खराब हो चुकी है। इस मूवी का नाम मटका है। ये एक मेगा प्रिंस वरुण तेज की मूवी है जिनकी शूटिंग आखिरी चरण पर है। टीम वरुण तेज से जुड़े एक बहुत ही खास एक्शन सीन को फिल्मा रही है। मटका का डायरेक्शन करुणा कुमार कर रहे है। मटका वरुण तेज की बिग बजट मूवी में से एक है क्योंकि प्रोडक्शन पूरा होने के करीब है और साथ ही पोस्ट प्रोडक्शन भी चल रहा है, इसलिए मटका के मेकर्स ने मूवी की रिलीज के अनाउंसमेंट से पर्दा उठा दिया है। ये मूवी कार्तिक पूर्णिमा से ठीक पहले 14 नवंबर को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, जिससे इसे लंबे वीकेंड का फायदा उठाने का मौका मिलेगा। वहीं फर्स्ट लुक पोस्टर में वरुण तेज सूट पहने रेट्रो अवतार में सहजता से अपनी खूबसूरती का परिचय दे रहे हैं, जबकि वे मुंह में सिगरेट लिए सीढ़ियों पर चल रहे हैं। वरुण तेज ने अपने लुक में लोगों को चौंका दिया है, जो समय के साथ उनके किरदार के विकास को खूबसूरती से दर्शाता है। करुणा कुमार ने एक दमदार स्क्रिप्ट लिखी है और 1958 से 1982 तक 24 सालों की पृष्ठभूमि वाली इस मूवी के लिए एक पीरियड बैकग्राउंड चुना गया है। ये मूवी के अंदर वरुण तेज को 4 अलग अलग अवतारों में देखा गया है। इस मूवी में मीनाक्षी चौधरी, नोरा फतेही वरुण तेज के साथ हीरोइन है, जिसका म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है। तो दोस्तों, आप भी ये मूवी देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।